देश की राजधानी दिल्ली में आतंकी हमले की आशंका है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के 4 आतंकी दिल्ली में दाखिल हो गए हैं। दिल्ली पुलिस अलर्ट पर आ गई है, जगह जगह सघन जांच की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों के पास हथियार भी हैं। तमाम गेस्ट हाउस, होटल्स, कश्मीर नंबर के वाहनों की सघन तलाशी शुरू कर दी गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि बॉर्डर इलाकों में वाहनों के बोनट खोलकर चेकिंग की जा रही है। दिल्ली के सभी जिला DCP, स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच, स्पेशल ब्रांच और अन्य यूनिट को अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के मकान मालिकों से अपील की है कि इस वक्त किसी भी किराएदार को घर देने से पहले पूरी जानकारी लें। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर सघन जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि ये आतंकी दिल्ली NCR में वारदात को अंजाम देने के इरादे से दाखिल हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि आतंकी कार, टैक्सी या बस के जरिए जम्मू कश्मीर से दिल्ली में दाखिल हुए हैं। दिल्ली के आउटर नॉर्थ जिले के इलाकों में खासकर नजर बनाए रखने को कहा गया है।